आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। इसका प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 768 का इसका प्रीवियस क्लोज था आज का, और शुरुआत इसकी भी अच्छी खासी रकम से होती हुई हमें सबसे पहले नज़र आती है, लेकिन झुक के हुआ, डाउनग्रेड के साथ हुआ। अब इसमें कुछ बातें आपको सबसे पहले नज़र आएगी कि हमने देखा है पिछले गुरुवार से लेके आज सोमवार है, आज भी बहुत ज़्यादा गिरावट लगभग बहुत सारे शेयर्स में नज़र आई है। कहीं पे भी एक भी टॉप लाइन लेने की कोशिश नहीं हुई, शुरुआत से जैसे शुरू हुआ वहाँ से जो एक डाउनफॉल नज़र आ रहा है वो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा लगातार सस्टेन किया हुआ है। तो देखेंगे सबसे पहले शुरुआत में एक मेडियन भी नहीं चुन पाया, सबसे पहले दोबारा आके 750 से लेके 745 का जो मेडियन है उसको चुन के बिल्कुल बीच में फ्लक्चुएशन के साथ आगे बढ़ता रहा कई घंटों तक, वहाँ से फिर फाइनली यहाँ से डूब गया है। थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ा था लेकिन यहीं से फिर अब जब कल मार्केट में शुरू होगा तो फिर से इसमें गिरावट आपको ज़रूरी तौर पे इस पर नज़र आएगी। अब ये गिरावट कब तक चलेगा? ये गिरावट और दो तीन दिन लगातार जारी रहेगा, मार्केट में गिरावट और दो तीन दिन जारी रहने वाला है। हमने बुधवार को ही कहा था कि अगले दो से तीन जो दिन है वो शेयर मार्केट के लिए सही नहीं है, सब में गिरावटों का, और फाइनली वही हुआ है। अगर इस कंपनी में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपका शॉर्ट टर्म होना चाहिए सीधे सीधे आंकड़े में 775 का। जी हाँ, 775 का एक शॉर्ट टर्म आप रख सकते हैं अगले दो से एक से दो महीने के लिए। पाँच साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पाँच साल में इस कंपनी ने आपको कितना दिया है पहले एक बार उसके बारे में जाँच पड़ताल कर लेते हैं, तो 46% आपको रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है। और 7 इसलिए उस हिसाब से आपका इसमें सीधा सीधा एक रकम होना चाहिए, तो 1100 का एक टारगेट होना चाहिए अगले 4 से 5 साल के बीच में।